एक्चुअली 150 फिफ्टी प्लस वन करके 3 लाख का डिडक्शन मिलेगा या कुछ और है लेट एस एनालाइज फ्रेंड्स बट बिफोर आई गो टू द सेम आई विल कवर अप द थर्ड सेक्शन इन द सीरीज एंड दैट इज ए टी सी सी डी दिस पर्टिकुलर सेक्शन फ्रेंड सीसीडी इज फॉर एनपीएस नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विथ द कंसेप्ट कॉल्ड ई टी फंडामेंटल ऐसा है फ्रेंड्स के आप लोगों को मैंने जैसे कल बोला वैसे कि आया और लास्ट लेक्चर में बोला वैसे कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूं मुझे मेरे रिटायरमेंट का प्लानिंग खुद करना पड़े आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द पेंशन प्लान ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी मेरे रिटायरमेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी मुझे पेंशन देगी एंड मैनी पीपल आर the द सेम ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन प्रीमियम पेमेंट एटी ट्रिपल is अवेलेबल ये जो पूरा सेक्शन आया ये सेक्शन अगर हम चेक करें तो इट इज अवेलेबल फॉर

ऑफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेप्ट कुछ ऐसा है और बिफोर दैट किसको ये डिडक्शन मिलेगा एनी एम्प्लॉय कहा से यू आर अवेयर जीटीआई से मुझे एटीजी के साथ समझाना है कि आई यूज द वर्ड जीटीआई इट मीन अदर देन लॉन्ग टर्म अदर देन ट्रिपल वन है अदर देन द कैजुअल इनकम अब यहां पर मैं कंडीशन एंड क्वांटम एक साथ बता रहा हूं एंड माई कंडीशन एंड क्वांटम वुड बी गोइंग इन दिस फैसन प्लीज लिसन बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फ्रेंड्स कंसेप्ट ऐसा है यहां पे फ्रेंड्स एनपीएस का के सी यू आर अवेयर के रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेंशन देगा बट एम्प्लॉई को ऐसा लगा कि पेंशन की जो अमाउंट आएगी ना वो बहुत ही कम होगी आई वॉन्ट सम एक्स्ट्रा पेंशन एंड दैट इज अ रीजन दे हैव गॉन फॉर द एनपीएस वेरीन वेन एम्प्लॉय इज डूइंग द जॉब बोथ एम्प्लॉयर एन एम्प्लॉई विल कॉन्ट्रीब्यूट आपका सैलरी टॉपिक हो गया हो तो जैसे पी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही दोनों किस में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट की अब ये जब कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तब ये कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर एम्प्लॉ को इसका एटीसी डी मिलेगा मैं समझा रहा हूं बट कंसे चले तो जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाए तो एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर से तो पेंशन मिलेगा ही मिलेगा ओवर एंड अबाउ दैट एम्प्लॉई को एनपीएस से भी एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगा एंड कंसेप्ट ऐसा होगा कि जब ये पेंशन एक्स्ट्रा मिले तब एम्प्लॉ के हाथ में ये पेंशन क्या हो जाने वाला है टैक्सेबल क्यों द रीजन बींग इन एटीसी कंसेप्ट इज ई टी अब देखो मैं ये जो लिखा उसको कंसेप्टोली जाऊं कंडीशन इन क्वांटम में देर वुड बी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी फर्स्ट फुल्ली टैक्सेबल इन द टॉपिक सैलरी एंड देयर आफ्टर एटीसीडी ब्रैकेट टू आप बोलोगे सर कहां इतने सेक्शन सब सेक्शन की बात करते हो क्या हो गया है आज आपको सर ये पर्टिकुलर सेक्शन में मुझे सब सेक्शन के साथ भी बात करनी पड़ेगी बिकॉज आगे ये सब सेक्शन वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होगा एटीसीसीडी टू में मैक्सिमम टेन परसेंट ऑफ सैलरी इज एलिजिबल फॉर डिटक्शन सैलरी टॉपिक में सैलरी का मतलब हर एक जगह पे अलग अलग है यहां पे सैलरी को डिफाइन किया है बेसिक प्लस डीएनएस अलावेंस इफ प्रोवाइडेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट और प्रोविडेंट फंड और टर्म्स प्रोवाइड सेम वे फ्रेंड्स देर इज एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑल्सो ये एम्प्लॉ कॉन्ट्रीब्यूशन पार्ट होगा ना देर इज नॉट गोइंग टू बी टैक्स इन सैलरी बट इसके ऊपर ए टी सी सी डी वन मिलेगा सब सेक्शन अलग है सेक्शन अभी जो पढ़ा रहा हूं वही है सब सेक्शन अलग है एंड देट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम टेन परसेंट ऑफ सैलरी इज योर एलिजिबल डिडक्शन फ्रेंड्स खास समझना ये पर्टिकुलर सेक्शन में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे और दोनों के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन एम्प्लॉई को ही मिलेगा मैं ये अभी जो लिखा है उसको एकदम रफ में समझा रहा हूं प्रैक्टिकल फेयर अभी थोड़ी देर में करेंगे दैट इज व्हाट इज माय टारगेट पॉइंट टुडे मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को एक लाख रुपए की सैलरी दे रहा है एनम लेते हैं तो एम्प्लॉई के हाथ में कैनवी से फ्रेंड सैलरी तो एक लाख रुपए टैक्सेबल है वेरी राइट right. अब ये एक लाख के ओवर एंड अबाउ एम्प्लॉयर ने बारह हजार एंड एम्प्लॉय ने बारह हजार एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट किया सो दैट फ्यूचर में जब एम्प्लॉय रिटायर हो तो उससे एक्स्ट्रा पेंशन मिले अब देखो एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ना वो जैसा आप मैंने बोला है वैसे क्या हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल किसको फुल्ली टैक्सेबल फर्स्ट फुल्ली टैक्सेबल इन द हेड सैलरी टू द एम्प्लॉई जो भी हो रहा है टैक्सेबल या डिडक्टेबल वो एम्प्लॉई को हो रहा है फर्स्ट फुल्ली टैक्सेबल टू द एम्प्लॉय एंड उसके बाद इसमें से ए सी सी डी टू मिलेगा कितना ए टी सी सी डी टू मिलेगा टेन परसेंट ऑफ द सैलरी दैट इज एक लाख के दस परसेंट ओनली टेन थाउजेंड विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन आप बोलोगे सर ये तो पहले टैक्स किया बाद में अलाउ किया यस yes, सैलरी में टैक्स करो एन ए टी सी सी डी टू में अलाउ करो टैक्स फुल्ली अमाउंट करो अलावेबल टेन परसेंट ऑफ सैलरी सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डी इफ द टर्म्स प्रोवाइड वुड बी डिडक्टेबल अच्छा एम्प्लॉई ने बारह हजार जो कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं वो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल होने वाला नहीं है यू आर अवेयर बट फ्रेंड्स योई का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी कितना डिडक्शन मिलेगा टेन थाउजेंड कैसे लाया मैं टेन थाउजेंड टेन परसेंट ऑफ द सैलरी सो आई वुड पुट दिस वे एम्प्लॉयर टैक्स भी होता है अलाउ भी होता है एम्प्लॉय टैक्स नहीं होता है अलाउ होता है बिकॉज एम्प्लॉय अपने पॉकेट से

एम्प्लॉ को अवेलेबल था सब हमारे जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल ने आर्ग्यू किया कि सर आप सब बेनिफिट एम्प्लॉय को ही देते हो हमें कुछ नहीं हमारी बिजनेस इनकम है एचपी इनकम है हम लोगों को कोई बेनिफिट ही नहीं सर दिस इज रॉन्ग एंड टू गिव अस द बेनिफिट टू

टेन परसेंट ऑफ टोटल जीटीआई हाँ अदर देन अदर देन अदर देन नहीं टोटल लॉन्ग टर्म भी इंक्लूडेड ट्रिपल वन भी इंक्लूडेड कैजुअल सब कुछ इंक्लूड करके जो टोटल आए विच एवर इज लेस इज एलिजिबल अंडर सेक्शन एटीसीडी ब्रैकेट वन कहां पे एलिजिबल एटीसी ब्रैकेट वन में दैट इज गोइंग टू बी एलिजिबल इन योर हैंड फ्रेंड्स ए टी सी सी डी वन में ये एलिजिबल होगा नाउ लिसन केयरफुली इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ओवर हियर इज दैट यू कैन कवर विच एवर इज लेस अब यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल ने फिर से आर्ग्यू किया कि employee का आप देखो दस परसेंट एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे दस खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन पे उनको बीस दे रहे हो आप और मुझे आप दस ही दे रहे हो अरे गवर्नमेंट ने कहा भाई तू भी ले जा जा ले एंड गवर्नमेंट ने पिछले दो एक साल से ओन कॉन्ट्रीब्यूशन और 20 परसेंट ऑफ द जीटीआई इन प्लेस ऑफ ट्वेंट परसेंट विच लेस इज एलिजिबल अंडर एटीसीडी पलक पावागढ़ी इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन मेरी जी टी आई आठ लाख है मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किए मान लीजिए दो लाख रुपए एनपीएस में तो मुझे आठ लाख और आठ लाख के बीस परसेंट दैट इज वन सिक्सटी और दो लाख दैट वुड बी गिविंग मी वन सिक्सटी इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन टू मी अंडर एटी सी सी डी वन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज द फंडामेंटल प्रॉपर अब यहां तक मैंने ये इंडिविजुअल सेक्शन समझाया मैंने जैसा बोला है डिडक्शन में चार एक पॉइंट टेक्निकल है एटी डी वाला फंडामेंटल एक टेक्निकल था जो हमने अलीअल लिया था नाउ जो नेक्स्ट फंडा है that is quite technical and that is my section 80 cce this talks about aggregate limit of 80c triple c एंड सी सी डी कॉन्सेंट्रेट करना आई पुट दिस वे आई स्टार्ट विथ एटीसीडी सर क्या है एटीसीडी एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये एनपीएस में खास कॉन्सेंट्रेट करना एम्प्लॉ का कंट्रीब्यूशन हो या ओ जस्ट मोमेंट आई 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 एल पुट दिस वे लेट अस फर्स्ट चेक आउट विथ नॉट एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सर एनपीएस एटीसीसीडी जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो तो कैन वी से इट इज कवर्ड बाय एटीसी टू दिस एटीसी टू खास समझना इज अवेलेबल विदाउट एनी अपॉल लिमिट

ओन कॉन्ट्रीब्यूशन दिस इज सेट टू बी कैन आई से बोथ गवर्न बाय एटीसीडी वन देखो ऊपर देख करते एंप्लॉ कॉन्ट्रीब्यूशन एटीसीसीडी वन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एटीसीसीडी टू बराबर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन एटीसीसीडी वन

ज अवेलेबल अंडर सेक्शन ए टी सी सी डी वन बी फ्रेंड्स विदाउट एनी अपल लिमिट अंडरसेक्शन एटीसी कोई लिमिट नहीं पचास हजार रुपए ले लो बट एटीसीडी वन बी में इसके अलावा अगर कुछ आया बैलेंस अमाउंट इफ एनी यह बैलेंस अमाउंट में आप एड करो एटी सी इसमें आप एड करो एटी ट्रिपल सी तीनों एड करने के बाद ये थोड़ा स्पेस प्लानिंग गलत हो रहा है जस्ट मोमेंट आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी ऑन द वन स्क्रीन सेक्शन एटीसी एल आई सी पी पी एफ प्लस सेक्शन एटी ट्रिपल सी पेंशन प्लान ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी ये जो एग्रीगेट अमाउंट आई और वेरी वेरी रेलेवेंट मैक्सिमम 150 फिफ्टी अंडर सेक्शन E, विच एवर इज लेस इज ओनली एलिजिबल मीनिंग हर बाय आपको फ्रेंड्स खास समझना एटीसी डेढ़ लाख एटी ट्रिपल सी डेढ़ लाख एटी सीसीडी टेन परसेंट टेन परसेंट या ओन कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी परसेंट बट एम्प्लोयर का कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा मिल जाएगा एम्प्लॉई के कॉन्ट्रीब्यूशन या ओन कॉन्ट्रीब्यूशन में से पचास हजार पूरा मिल जाएगा बैलेंस अमाउंट प्लस सी प्लस ट्रिपल सी इन टोटल इन टोटल हो रही है सी में अलग बात की आपने एटी ट्रिपल सी में डेढ़ लाख का अलग डिडक्शन दिया और अभी आज बोल रहे हो अभी बोल रहे हो कि तीनों का एग्रीगेट वन फिफ्टी से ज्यादा नहीं मिलेगा ये तो गलत बात है गलत बात है तो डिपार्टमेंट के सामने बैठ के धरने करने हैं बाकी एक्ट तो अभी यही कह रहा है हम कुछ नहीं कर सकते एकेडमिकली दिस इज़ क्या बोला हैचास हजार वो मैंने अभी अमाउंट से समझाया नहीं है आई एम क्लैरिफाइंग बट आप इतना पहले कॉपी करिए धीरे धीरे समझते समझते सो दैट यू विल मोर क्लैरिटी एंड देयर आफ्टर आई विल चेक आउट विथ द प्रैक्टिकल द सेम आपके पास अराउंड टेन मिनिट का टाइम है यह दोनों बोर्ड कॉपी करने के लिए मे बी गॉड प्लीज एंड वी विल हैव टू सम्स एक मैंने जो कल के लेक्चर में बोला था कि ए टी सी में देर इज एन अपल लिमिट वन फोर ट्वेल्व के पहले अगर पॉलिसी ली हो तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ द समर्स और उसके बाद पॉलिसी ली हो एंड के लिए हो डिसन परसेंट वो वाला एक फंडामेंटल समझाना छोटा सा बाकी है एंड ये जो अभी मैंने यहां पे ए टी सी सी ई वाला ड्रॉइंग किया एन D वाला फंडामेंटल बोला टेन परसेंट ऑफर सैलरी बेसिक प्लस डी द टर्म्स प्रोवाइड वो समझाना बाकी है वो दोनों को मर्ज करके मेरे पास दो सम्स है अस गो फॉर द सेम फ्रेंड्स आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टू क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर टू गोज दिस वे कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर एटी सी फॉर एवाई वाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर क्यू की जगह हम मिस्टर ए कर देते नाम बदल देते बंदे का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन एस अंडर मिस्टर ए ने प्रीमियम भरे हैं तीन अलग अलग अब लाइफ प्रीमियम भरो ना तो हिमसेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन के लिए ये डिडक्टेबल होगा लिसन केयरफुली वी हैव नंबर टू मिस्टर ए फॉर द ईयर नाइनटीन ट्वेंटी रेलेवेंट टू द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये मैं लिख रहा हूं किसके लिए पे किया पॉलिसी डेट बराबर है यहां पे तीसरी चीज आपको देंगे समस्योर अन एक्चुअल प्रीमियम ये सब मैं क्वेश्चन से उठा रहा हूं अरे भाई इतना लंबा क्यों लिख रहा हूं बराबर ये सब कहां से उठा रहा हूं क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वहीं से एंड काइंडली लिसन यहां पे मेरा फंडामेंटल आएगा मैक्सिमम परसेंटेज एलिजिबल एंड यहां पे मैक्सिमम डिडक्शन एलिजिबल ओके नाव काइन लेसन लेट्स बिगिन पहला प्रीमियम है खुद के लिए एक चार ग्यारह को पॉलिसी ली थी सो फॉर वुम ओन पॉलिसी कब ली थी वन फोर टू थाउजेंड इलेवन को फोर ट्वेल्व के पहले आपकी सम समअ्योर्ड है तीन लाख आपने प्रीमियम भरा है ड्यूरिंग द ईयर इट शुड बी एटीन एटीन नहीं ड्यूरिंग द ईयर नाइनटीन ट्वेंटी सो so, तीन लाख की सम अस्योर्ड चालीस हजार का आपका प्रीमियम फ्रेंड्स मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल ओवर हियर इज कैन आई राइट ट्वेंटी परसेंट कहाँ से लाया 20% परसेंट वन फोर ट्वेल्व के पहले अगर आपने पॉलिसी ली है तो मैंने ए वाले लेक्चर में समझाया था मैक्सिमम 20% परसेंट ऑफ समस्ट शोड इज एलिजिबल एंड फ्रेंड्स मैक्सिमम आपको 20% परसेंट मिलता मिलता तो आई वुड पुट दिस वे दैट इट इज नॉट मैक्सिमम एलिजिबल डिडक्शन आई शुड राइट इट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन ए एलिजिबल विल बी कैन आई से फुल फोर्टी थाउजेंड बिकॉज आपको मैक्सिमम कितने मिलने वाले हैं सिक्सटी थाउजेंड रुपीज एक मुद्दा हुआ दूसरा मुद्दा फ्रेंड्स स्पाउस के लिए पॉलिसी ली हुई है वन फाई सिक्सटीन को स्पाउस के लिए जो वन फाई सिक्सटीन को पॉलिसी ली है डेढ़ लाख की पॉलिसी है बीस हजार का प्रीमियम है अब स्पाउस के लिए कुछ दिया नहीं है कि डिसेबल्ड है या डिसीज से सफर कर रही है तो वन फोर ट्वेल्व के बाद की पॉलिसी हो तो मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल इज टेन परसेंट योर डिडक्शन अवेलेबल विल बी ओनली एंड ओनली फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज नॉट मोर देन दैट सो वाई फिफ्टीन थाउजेंड टेन परसेंट ऑफ द सम विल बी क्वालिफाइंग अच्छा तीसराप सन डिसेबिलिटी सफर कर रहा है ये हैंडीकैप सन जो डिसेबिलिटी सफर कर रहा है उनके लिए आपने आई से पॉलिसी ली है वन सिक्स सिक्सटीन को सेवनटीन को चार लाख की अस्सी हजार का प्रीमियम भरा है वन सिक्स सेवेंटीन को चार लाख की पॉलिसी है अस्सी हजार का प्रीमियम भरा है वन फोर ट्वेल्व के बाद की पॉलिसी है डिसेबल्ड पर्सन के लिए है मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल विल बी फिफ्टीन परसेंट सो द डिडक्शन अवेलेबल टू यू विल बी सिक्सटी थाउजेंड वन फोर ट्वेल्व के बाद की पॉलिसी हो डिसेबल्ड के लिए हो डिसीज वाले के लिए हो तो पंद्रह है अदर्स के लिए टेन है एंड फ्रेंड्स आप अगर चेक करो तो योर टोटल डिडक्शन

जो मेरा मेजर पोर्सन है वो है सम नंबर थ्री दिस इज दिस इज द पोर्सन विच इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट टेक्निकल एंड आई एम सपोज टू हाईलाइट इट एट लेंथ क्वेश्चन नंबर थ्री में फ्रेंड्स मैं सम नंबर टू को कंटिन्यू करूंगा एट द पॉइंट द बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर ए इज वन लैक पर मंथ

इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन इन देंड्स ऑफ मिस्टर ए अज्यूमिंग एज्यूमिंग दट ही इज ए टी सी एस पर क्वेश्चन नंबर टू सो ए टी सी एक लाख पंद्रह हजार रुपए जो ऑलरेडी मैंने कॉम्प्यूट किया हुआ एस एम के मुताबिक वही है वो कॉम्प्यूट करके आप आगे चलेंगे फ्रेंड्स मिस्टर ए के लिए अगर हम सब सोल्व करें खास समझना तो इट इज प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी रिलेवन टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में सर खास समझना आई हैव कैन वी सर टैक्सेबिलिटी अंडर द हेड सैलरी जिसमें आएगी मेरी बेसिक सैलरी च इज एक लाख मल्टीप्लाइड बाय ट्वेल्व यह लाख रुपए पर मंथ वो तो पूरी टैक्सेबल है सैलरी टॉपिक में हो गया है तो वेल एंड गुड नहीं हुआ है तो आपको सिखाएंगे कि दिस इज गोइंग तो टू बी फुली टैक्सेबल ही इज एंटाइटल टू डी एन एस अलावंस विच इज फोर्टी परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी फिफ्टी परसेंट फॉर्म पार्ट For the retirement benefit. A taxable taxable hoga. So I'll put this way Dearness allowance is going to be 40% of 12 lakh. That would be giving you 4 lakh 80,000. This is going to be fully taxable. Now very relevant. Employer. मिस्टर ए एंड इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट फिफ्टीन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी टू द पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन ए टी सी सी डी यहां पर मैं वर्किंग वन पे चलू वर्किंग वन टॉक्स अबाउट ए टी सी सी डी एनपीएस जिसमें एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 15 परसेंट ऑफ 12 लाख ये पता चला कहां से लाया 15 परसेंट ऑफ 12 लाख व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग योर द बुक इन योर हैंड व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग इज 15 परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी दैट वुड बी गिविंग हिम कैन वी से ही एज कॉन्ट्रीब्यूटेड वन ये 180 एटी ज गोइंग टू बी टैक्स इन द सैलरी सैलरी में टैक्स हो जाएगा एंड उसके बाद एटी सी सी डी टू में टेन परसेंट इज एलिजिबल टैक्सेबल पूरा टेन परसेंट जो एलिजिबल होगा वो सैलरी वुड कवर फुल बेसिक प्लस डीए अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको दिया हुआ है कि डीए इज 40 परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी एंड 50 परसेंट ऑफ द डीए इज ओनली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और टर्म्स प्रोवाइड और पेंशन बेनिफिट और पीएफ बेनिफिट सो फॉर द पर्पस ऑफ दिस 80 CCD, your DA to be covered is only 50%. This would be only and only two Your total salary is. Can I say fourteen lakh forty thousand? If it is fourteen lakh forty thousand. न आई से आपको टेन परसेंट ऑफ फोर्टीन पॉइंट फोर लैख मिले तो दिस वुड बी गिविंग यू वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड रुपीज सर यह एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात आई कॉन्ट्रीब्यूट एम्प्लॉयर कर रहा है पंद्रह परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी आपकी बारह लाख है उसके पंद्रह परसेंट एक लाख अस्सी हजार एंड एटीसीडी मिल रहा है आपको एटीसीडी टू मिल रहा है आपको टेन परसेंट ऑफ बेजिक प्लस डीए इफ द टर्म्स प्रोवाइड आपका बेसिक बार है बारह लाख डीए है चार अस्सी बट टर्म्स प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इंक्लूडेड ओनली पचास परसेंट सो दैट वुड बी टू फोर्टी ट्वेल्व प्लस टू फोर्टी फोर्टीन फोर्टी उसके दस परसेंट ही आपको क्या मिलने वाला है ए टी सीसीडी टू एज पर द एक्ट एज पर द क्वांटम गिवन इन द एक्ट अच्छा दूसरा फ्रेंड्स एम्प्लॉई ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है क्या इसे सेम अमाउंट अस्सी इट इज ऑल्सो फिफ्टीन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी बोथ एंड इज एम्प्लोअर कॉन्ट्रीब्यूट सो फ्रेंड्स टैक्स इन सैलरी विल बी निल कुछ भी टैक्स नहीं होगा सैलरी में बिकॉज एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल एंड ए टी सी सी डी वन में आपको डिडक्शन मिलेगा दैट इज टेन परसेंट ऑफ फोर्टीन लैख फोर्टी थाउजेंड विच वुड बी वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड यह फोर्टीन लैख फोर्टी थाउजेंड कहां से लाया बारह लाख बेसिक प्लस डी एच आरअस्सी का पचास परसेंट टू फोर्टी सो फ्रेंड्स दिस वुड बी एलिजिबल फॉर द डिडक्शन मैं एक यहां पे मुद्दा और क्लियर कर दू आपके माइंड में फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये मैंने अभी बेसिक मेकेनिज्म कैलकुलेट की हुई है मैंने सम अभी क्लोज नहीं किया है अभी मैंने सम बिल्कुल ओपन रखा है सर ये मेरा मेजर सम है आज के लेक्चर का अब सुनो ये सम में जितना मैंने लिखा है ना उसकी मैं इफेक्ट दे रहा हूं आपके अकाउंट में जैसे बोलते हैं ना पोस्टिंग इफेक्ट वैसे ही पोस्टिंग इफेक्ट दे रहा हूं बट सर कॉन्सेंट्रेट करना आफ्टर दिस आई नीड टू चेक विथ द मेजर पार्ट

उसमें एम्प्लोयर जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज गवन बाय ए टी सी सी डी टू कैन वी से दिस इज 144 मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है 144 दिस 144 फोर्टी फोर इज फुल्ली एलिजिबल Without any upper limit of CCE, but friends आपके employee का contribution आया, this would be covered by ATCCD one कितना आया? 144. वो ये वाला 144. उसमें से अगर आप हमारी formula देखो ए टीसीडी वन बी में क्या एलिजिबल हो जाएगा पचास हजार पचास हजार कौन से सेक्शन में एलिजिबल हो जाएगा एटीसीडी वन बी में एलिजिबल पचास हजार बैलेंस जो बचा 144 था पचास एलिजिबल हो गया तो बैलेंस आया नाइनटी फोर ए सी सी डी वन प्लस सेक्शन ए सी कहां से मैं ए सी ला रहा हूं फ्रेंड्स सम नंबर टू से जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया है वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज क्योंकि ये सब में सम नंबर टू का ही एटी सी लेना है तो दैट इज कमिंग टू वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड ये दोनों का टोटल वन वन फाइव प्लस नाइन्टी फोर करे तो दिस कम्स टू टू जीरो नाइन सब्जेक्ट टू फ्रेंड्स मैक्सिमम अंडर सेक्शन एटी सी सी ई वन फिफ्टी यू कैन गेट द डिडक्शन ऑफ ओनली एंड ओनली 150 मैं पूरा फंडामेंटल फ्रेंड्स आप लोगों को फिर से समझाने की ट्राई करूं तो और इसकी इफेक्ट देते हुए समझाने की ट्राई करूं तो अब सुनिए कैन आई से एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो एक अस्सी हुआ वो पहले फुली हमें क्या करना है टैक्स करना है तो चलो मैं इसकी इफेक्ट देता जाऊं सैलरी में टैक्सेबल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन पी एस सब्जेक्ट टू वर्किंग वन कितना मैंने टैक्स किया वन एटी इसकी मैंने इफेक्ट दी एटीज सेट अब एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन वन फोर्टी फोर कहां से लाया वन फोर्टी फोर टेन परसेंट ऑफ बेसिक प्लस डी आई द टर्म्स प्रोवाइड वो मैं यहां पर ले गया अब वो भी फुल्ली एलिजिबल ही है तो फुल्ली एलिजिबल जो है ये मैंने कवर कर दिया ये कवर कर दिया ये जो फुल्ली एलिजिबल है उसको मैं सेक्शन एटी सी सी डी टू में कैन आई चेक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस वर्किंग नोट नंबर वन एंड टू से

ए टी सी सी डी वन बी इट इज एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस वर्किंग वन टू से पचास हजार फुल्ली एलिजिबल मैंने कर दिया बराबर उसमें कोई इश्यू नहीं है बैलेंस जो आपका गया ये बैलेंस में से फ्रेंड्स आई से ये बैलेंस जो आपका गया वो कितना बचा 94 प्लस आगे सम का 115 टोटल टू और नाइन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 150 इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन सो आई कैन पुट इट दिस वे दैट हियर अंडर सेक्शन ए टी सी ए टी सी सी डी वन एन ए टी सी सी ई मिलके योर मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल इज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ये जो आया दिस इज कॉल्ड माई ग्रॉस कम नेट सैलरी मेरी ग्रॉस कम नेट सैलरी आ रही है बारह लाख प्लस चार अस्सी प्लस एक अस्सी करके एटीन लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज एटीन लैख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज जो मेरी ग्रॉस सैलरी आई फ्रेंड्स इसके अलावा मेरी कोई और इनकम नहीं है तो इसको मैं बोल रहा हूं माय ग्रॉस टोटल इनकम एटीन सिक्सटी एंड ये एटीन सिक्सटी में से मुझे वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का टोटल मिलके कितने का डिडक्शन मिलेगा थ्री लैख फोर्टी फोर थाउजेंड का एंड वॉट एवर आई गेट इसम डेज माई फ्रेंड्स नेट टोटल इनकम माई नेट टैक्सेबल इनकम या नेट टोटल इनकम विल बी फिफ्टीन लैक सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज आई वुड लाइक टू हियर रीटरेट रिपीट दैट

वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से टेक्निकल कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक प्रॉपर जो टेक्निकल है, उसमें से एक ए डी वाला कर लिया अभी ले रहा हूं एटीसी मिनट में इतना कॉपी करोगे एंड विल क्लोज द लेक्चर ओवर हियर एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट एटी जी के डिडक्शन लेंगे डोनेशन के डिडक्शन लेंगे टिल देन फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच स्टे होम स्टे सेफ कॉपी द सेम थैंक्स If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.